हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 4.1। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल और उसके रिलेटेड एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। एज 4.2 जो है वो आपके इस सेशन के लिए इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, ठीक है। सो 4.3 के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा और जिसके बेसिस पे आप सिंपली सॉल्व कर पाएंगे पूरी एक्सरसाइज। बट उससे पहले अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करने आते हैं तो लास्ट 2 वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो ज़रूर जाकर देखिए, तभी आप ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी कवर करूँगी और क्वेश्चंस भी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहले कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हमने पढ़ा था। अगर किसी को नहीं भी याद है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। सो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ए बी सी, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 10th में, ठीक है। अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से, बस ये आप दिमाग में रखिए कि ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो अब इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना है, वो बहुत ही सिंपल है, इस फॉर्मूले से कई गुना बहुत आसान है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल का सिंबल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो 1/2, ठीक है, और फिर लगाएंगे 2 डंडे, मतलब डिटर्मिनेंट, ठीक है, और फिर इन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। तो x1 x2 और x3 ऐसे लिखेंगे, x1 x2 x3, फिर लिखेंगे y1 y2 y3 और लास्ट में 1 1 1, मतलब पहले कॉलम में हम सारे x के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम y के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और तीसरे कॉलम में 1 1 1 लिखेंगे, ठीक है जी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं और उससे हमें यहाँ से आसानी से समझ आ जाएगा। उसको सॉल्व नहीं करूँगी मैं, सिर्फ लिखना बताऊँगी, सॉल्व मैं करना बताऊँगी आपको एक्सरसाइज में, ठीक है। सपोज़ करो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3.8 -4.2 और 5.1 और आपको बोला जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल का सिंबल 1/2, 2 डंडे लगाएंगे, पहले लिखेंगे x वाले सारे 3 -4 and 5, 3, ठीक है, सो 3 आ गया, -4 and 5, फिर लिखेंगे y वाले 8 2 and 1, सो 8 2 and 1, थर्ड कॉलम में क्या लिखना है मैंने अभी बोला था 1 1 1, बस ये काम हो गया आपका। आपने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, जिसको सॉल्व करना मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में सिखाया था। नहीं आता है तो लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 ज़रूर जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं भेज दूँगी लिंक, ठीक है जी। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो और एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर ना 3 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। नंबर वन ये है कि एरिया जो होती है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अगर बाय चांस आपका आंसर नेगेटिव में भी आ जाता है, जैसे -10 आ गया, तो आप उसको क्या ले लेंगे, 10 स्क्वायर यूनिट्स बोल देंगे, ठीक है ना। तो एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं डिटर्मिनेंट की, ठीक है। सो वी ऑलवेज टेक ठीक है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, अगर आपको क्वेश्चन में एरिया जो है वो गिवन है, ठीक है, तो हमने वी टेक, ठीक है, यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। मतलब अगर आपको सपोज़ करिए एरिया दे रखा है 30 स्क्वायर यूनिट्स किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपने जब कैलकुलेशन करनी है तो आपने +30 के भी इक्वेट करना है, ठीक है, तो और -30 के भी इक्वेट करना है, मतलब आपने इसको कंसिडर करना है +-30। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, आई विल सॉल्व दैट, ठीक है। तो मतलब आपको एरिया जब भी गिवन है तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों के इक्वेट करना है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट इज, जब भी एरिया जो है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय
थ्री कोलिनियर पॉइंट्स इज़ ज़ीरो ऑलवेज, ठीक है। याद रखना कि जब भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो सेम लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। जैसे सेम पॉइंट्स हैं ए बी सी है, तो ये कभी ट्रायंगल बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो जब भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब कि वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो आपको कभी कभी आएगा कि शो दैट कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब क्या है, आप शो कर दो कि उसका एरिया जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी ये चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अब हम सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो अब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर 106043 ये हमारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, 1/2, ठीक है। सो यहाँ पर साथ में कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। सो 164 ये हमारे हमारे पास पहले कॉलम के कोऑर्डिनेट्स आ गए, फिर 003, ठीक है, 003, और लास्ट कॉलम के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 111, ठीक है। ये हमने पहले बना लिया। अब हमें इसको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट हम किस तरफ एक्सपैंड करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो कॉलम नंबर 2 है उसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, तो हमें फ़ायदा हो जाएगा इसका, ठीक है। सो एक्सपैंड करेंगे अलॉन्ग C2, ठीक है। अब C2 के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास A12 होता है, ठीक है, A22 होता है, और A2 यहाँ पर A32 होता है ना, यही होते हैं एलिमेंट्स हमारे। अब ये डिपेंड करता है इसके सम पे कि ये इवन है या ऑड है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, ये इवन है तो +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऑड है तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, 1 + 2 कितना होता है, 3। 3 क्या है, ई ऑड नंबर है, ठीक है। सो इसको -1 के साथ करेंगे। 2 + 2 क्या है, 4, इसको +1 के साथ करेंगे, इसको -1 के साथ करेंगे, ठीक है। बस इनके जो सफिक्सेस होते हैं ना हमारे, इनको ऐड करके देख लेना है, अगर वो इवन आए तो +1 के साथ मल्टीप्लाई, ऑड आए तो -1 के साथ मल्टीप्लाई, क्लियर है जी। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पर 0, ठीक है। तो मैं 0 लिखूंगी, 0 को मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, पहला एलिमेंट -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये इस रो में है और इस कॉलम में है, इसको छोड़ दो, बाकी लिख लो 6141, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा यहाँ पर, नेक्स्ट एलिमेंट है 0 फिर से, ठीक है। 0 को मैं +1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, इसको छोड़ दो, बाकी ले लो 1141, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पर 3, राइट, 3 एलिमेंट है, सो 3 लेंगे, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इस रो में, इस कॉलम में है और इस रो में है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, बाकी ले लो 1161, क्लियर है, ओके जी। ये आ गया हमारे पास, ये 1/2 हमारा बाहर ही रहेगा, ये वैल्यू भी पूरी 0 हो गई, ये वैल्यू भी पूरी 0 हो गई, है ना, क्योंकि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 0। तो इसलिए ये हम उस रो या कॉलम की तरफ एक्सपैंड करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होती हैं, ओके। 3 × -1 ये हो गया माइनस का 3, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, 1 × 1 1, ठीक है, 6 × 1 6, ठीक है जी। सो ये आ गया 1/2, 0 + 0 0 ही रहेगा, सो ये आ गया माइनस का 3, ठीक है, और माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 5 15 हो गया, सो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया निकाल रहे हैं ना, सो हमने यहाँ पर लिखना है 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर। ये पहले पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट है हमारा 2 7 1 1 10 8, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सो चलिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सो 1/2 लिखेंगे, ठीक है, दो डंडों के बीच में लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट्स 2 1 10, ठीक है, फिर 7 1 8, ठीक है, इसको ध्यान से बहुत लिखना है क्योंकि इसके लिखने पे डिपेंड करेगा कि आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 1 1 1, अगर आप ये गलत लिख लोगे तो सारा आंसर गलत हो जाएगा, क्लियर है, ओके जी। चलिए अब हम यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं है तो हम सिंपल इसको R1 के साथ एक्सपैंड कर सकते हैं,
ठीक है, आप चाहे तो जैसे मर्जी कर सकते हो, आप चाहे तो R2 के साथ कर लो, R1 के साथ कर लो। R2 के साथ थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि 1 ही है, सबके साथ 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं R1 के साथ ही आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहली रो जो है उसके एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं, A11, A12, A13। अब इसको ऐड करा तो 2 बन रहा है इवन, तो प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस 1 के साथ और इसको प्लस 1 के साथ। ठीक है, पहले ये डिसाइड हो गया। सो डिटर्मिनेंट 1/2, अब पहला एलिमेंट है 2, 2 को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, इसको छोड़ दो, बाकी ले लो 1, 1, 8, 1। ठीक है, देन माइनस 1, हमारा दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 7, 7 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस रो में है और इस कॉलम में है। ठीक है, इसको छोड़ दो 1, 1, 10, 1। ठीक है, देन हमारा तीसरा एलिमेंट है हमारा 1। ठीक है, सो 1 को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा इस रो में है और इस कॉलम में है, सो 1, 1, 10 एंड 8। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो 1/2, 2 × 1, 1, ये हमारी जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो सॉल्व कर लीजिए, 1 × 1, 1, -8 × 1, 8। ठीक है, 7 × 1, 7, माइनस का 7। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए, 1 × 1, 1, -10 × 1, 10। क्लियर, देन 1 × 1, 1। ठीक है, सो ये हो गया 1 × 8, 8, -10। राइट, ओके जी, अब इसको सॉल्व कर लो। 1/2, 2 × −7, माइनस का 14, -7, -9, 63, प्लस का और 8 − 10 कितने हो गए, -2। ठीक है, सो 1/2, 63, ऐसे रहने देते हैं, -14, -2, माइनस का 16। ठीक है, इसको माइनस करते हैं, 13 में से 6 गए 7, देन 5 बचे, 5 में से 1 गए 4, सो 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। चलिए हम लिखते हैं इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1/2। तो पहले लिख लेते हैं -2, 3 एंड -1, -2, then 3, then -1। फिर क्या लिखना है, दूसरी तरफ y वाले, ठीक है, ये हमने लिखने हैं माइनस का 3, 2 एंड -8, then 1, 1, 1। क्लियर है, अब यहाँ पर आपकी कोई भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको, आप किसी भी तरफ से एक्सपैंड कर सकते हो। मैं सिंपल बनाने के लिए आपको यहाँ पर कॉलम नंबर 3 के साथ एक्सपैंड करके दिखाती हूँ, क्योंकि फिर माइनस का चक्कर नहीं रहेगा। ठीक है, एक्सपैंड अलोंग कॉलम नंबर 3। ठीक है, क्योंकि सब में 1 है ना, सो कॉलम नंबर 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं, पहले वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सो कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट्स होते हैं A13, A23, then A33। अब 1 + 3 क्या हो गया, 4, इवन है तो प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई, पहले तो ये लिख लेना है। ठीक है, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और कभी आंसर गलत नहीं आएगा। चलिए, कॉलम नंबर 3 में पहला एलिमेंट है 1। ठीक है, इसको हमने प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करा, ये हमारा इस रो में है और इस कॉलम में है, इसको छोड़ दो, बाकी ले लो 3, 2, -1, -8। ठीक है, चलिए दूसरा एलिमेंट है हमारा फिर से 1, इसको हमने माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये इस कॉलम में है, कॉलम तो सेम ही रहता है, इस रो में है। ठीक है, चलिए -2, -3, -1, -8। ठीक है, चलिए तीसरा एलिमेंट क्या है, फिर से 1, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉलम में है और इस रो में है, इसको बाकी ले लेते हैं -2, -3, 3 एंड 2। राइट, ये हमारा हो गया और ये बाहर आ गया 1/2। क्लियर, चलिए 1/2, सो ये 1 × 1, 1 हो गया। इसके डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं और ध्यान से सॉल्व करने हैं। माइनस का 24, ठीक है, बीच में माइनस, 1 × −1 × 2 − 2। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट्स बाद में ओपन करती हूँ। माइनस का 1 हो गया, -2 × −8, 16 प्लस का, ठीक है, फिर बीच में माइनस, -1 × −3, दैट इज़ प्लस का 3। ठीक है, सो 1 × 1, 1, -2 × 2 − 4, देन 3 × −3 − 9। ठीक है, बीच में हमारे पास यहाँ पर माइनस है। क्लियर, अब यहाँ पर 1/2, -24 + 2, माइनस का 22,
माइनस वन इंटू थर्टीन माइनस का 13, ठीक है, माइनस फोर प्लस नाइन ये हो गया प्लस का 5, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 1/2, ये हो गया हमारे पास 35 माइनस का और प्लस 5, ठीक है। सो ये माइनस का 30 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो यहाँ पर आंसर आ रहा है माइनस का 15, बट हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल है। सो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 15 स्क्वायर यूनिट्स। हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है। सो इसलिए माइनस भी आया है तो भी आपने उसको पॉजिटिव ही लेना है। सो 15 स्क्वायर यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें शो करना है कि ये वाले जो गिवन पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और ये सी है, मतलब ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। और सेम लाइन पे अगर लाई कर रहे हैं तो ये कभी भी ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो इस केस में हमेशा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हम इनका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर तो वो ज़ीरो आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, मतलब दे लाई ऑन द सेम लाइन, क्लियर। ओके जी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो 1/2, तो पहले ये वाले एलिमेंट लिख लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। सो ए बी सी हो गया, देन बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, और साथ में क्या है, 1 1 1, ठीक है जी। ये हमने इनको दो डंडों के बीच में डाल दिया, मतलब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। फिर से मैं अलोंग C3 कॉलम नंबर C3 के साथ इसको एक्सपैंड कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो किसी भी तरफ से एक्सपैंड कर सकते हैं, अब वो आपकी ही चॉइस होती है। सो एक्सपैंड अलोंग C3, तो C3 के जो एलिमेंट है वो होते हैं हमारे पास A13, A23 और A33, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन के साथ, इसको माइनस वन के साथ और इसको प्लस वन के साथ, है ना, सिंपल है। सो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं इसका, 1/2, ठीक है। और हमारे पास अंदर आ गया यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 1, इसको हम प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस रो में है और इस कॉलम में है, ठीक है। सो बचा क्या, बी सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, ठीक है। ओके जी, सेकंड एलिमेंट हमारा 1 है और इसको माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो चलिए ए बी प्लस सी, सी ए प्लस बी, ठीक है। तीसरा एलिमेंट भी 1 है और इसको प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो हमारा इस कॉलम में है और इस रो में है। सो यहाँ पर आ गया ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए। अगर आप इस तरह से लाइंस बनाकर हमेशा करेंगे ना, तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और कभी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप पेपर में कर रहे हैं, या तो मैं रब कर रही हूँ ना, मतलब इस तरह से, तो आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। सो 1 × 1 हो गया 1, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी ए, सी इंटू सी प्लस ए, यानी कि सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए सी, इसको मैं ब्रैकेट में रख रही हूँ अभी, ठीक है। 1 × -1 माइनस का 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, माइनस सी इंटू बी प्लस सी, दैट इज सी बी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, राइट। सो 1 × इसका भी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है जी। अब मैं सारी ब्रैकेट्स जो हैं वो ओपन करूँगी, 1/2, सो आ जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए सी माइनस का 1, ठीक है, इंटू यहाँ पर प्लस ही रहने देती हूँ अभी मैं, माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर, मैंने अभी अंदर वाली ब्रैकेट्स खोल ली हैं, प्लस सी ए या ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है। अब मैं ये वाला जो माइनस 1 है इसको भी मतलब सारे साइंस चेंज कर देती हूँ, फिर हम कटिंग करते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी, ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का सी बी प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी सी, ठीक है। चलिए, तो जो जो कटिंग हो रही है वो कटिंग कर देते हैं। सबसे पहले बी ए, तो बी ए ए बी के साथ कट गया, बी स्क्वायर जो है माइनस बी स्क्वायर के साथ,
माइनस का सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ, माइनस का ए सी प्लस ए सी के साथ, माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ, सी बी जो है वो बी सी के साथ कट गया, आ गया ज़ीरो। ठीक है, वन बाय टू इंटू ज़ीरो, ज़ीरो। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या है, ज़ीरो है। सो देयर फोर जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, कोलीनियर हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको कोलीनियर वाली चीज़ शो करने के लिए आए तो आपने शो कर देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ ज़ीरो। क्लियर। दिस क्वेश्चन नंबर थ्री, हमें यहाँ पर फाइंड करनी है के की वैल्यू। अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है और उसके वर्टिसेस भी गिवन है, इसमें एक अननोन वेरिएबल है, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फोर स्क्वायर यूनिट्स गिवन है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्लस माइनस फोर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास वन बाई टू और फिर वर्टिसेस लिखेंगे के फोर ज़ीरो, पहले ये वाले के फोर ज़ीरो, ठीक है, फिर ज़ीरो ज़ीरो टू, ज़ीरो ज़ीरो टू, है ना, और लास्ट में वन वन वन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको अब देख सकते हैं कि सी टू कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, है ना, तो हम इसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं अलॉन्ग द कॉलम सी टू। ठीक है, तो हमारे जो सी टू के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास ए वन टू एलिमेंट, ए टू टू एलिमेंट, ए थ्री टू एलिमेंट, है ना। वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री, मतलब ऑड है तो माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस वन के साथ और इसको माइनस वन के साथ। ठीक है जी, पहले तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस फोर इज़ इक्वल टू हाफ, ठीक है, इसका हम एक्सपेंशन करेंगे। अब सबसे पहला एलिमेंट है ज़ीरो, ठीक है, तो ज़ीरो इंटू माइनस वन, ठीक है, और ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो फोर वन ज़ीरो वन। ठीक है, अब हमारा सेकंड एलिमेंट भी क्या है, ज़ीरो, उसको हम प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो में है और इस कॉलम में है। ठीक है, बाकी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, के वन ज़ीरो वन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट हमारा टू, उसको माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये हमारा है इस कॉलम में और इस रो में, बाकी का लिख लेते हैं के फोर वन वन। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब प्लस माइनस फोर इज़ इक्वल टू हाफ, अब ये देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ज़ीरो हो गया। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज जिस कॉलम या रो में होती हैं उसकी अलॉन्ग एक्सपैंड करना चाहिए। सो ये आ गया माइनस का टू, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, के इंटू वन के, फोर इंटू वन फोर। ठीक है जी, ये सॉल्व हो गया, प्लस माइनस फोर इज़ इक्वल टू वन बाई टू, ये हो गया ज़ीरो, माइनस का टू के और प्लस का माइनस टू इंटू माइनस फोर, दैट इज़ प्लस का एट। ठीक है, अब हमारे पास दो सिचुएशन आएंगी, या तो वन बाई टू माइनस टू के प्लस एट जो है वो फोर के इक्वल होगा, या फिर माइनस फोर के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस फोर हैं, तो मैं यहाँ पे हमारे पास दो के की वैल्यूज़ आएंगे। सॉल्व करो, फोर टू ज़ा एट, माइनस टू के प्लस एट, एट माइनस एट ज़ीरो, माइनस टू के, तो के की वैल्यू आ गई ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे आ गया माइनस का एट, माइनस का टू के प्लस एट, तो ये माइनस का सिक्सटीन, माइनस का टू के, सो के की वैल्यू आ गई एट। ठीक है, सो के की वैल्यू यहाँ ज़ीरो आ रही है या फिर एट आ रही है। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो हमने सेम यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल फोर स्क्वायर यूनिट्स हैं, तो प्लस माइनस फोर हो गया, वन बाई टू। ठीक है, तो पहले माइनस टू ज़ीरो ज़ीरो, माइनस टू ज़ीरो ज़ीरो, देन ज़ीरो फोर के, ठीक है, ज़ीरो फोर के, ठीक है, और लास्ट में आ गया वन वन वन। अब किस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, तो आप देख सकते हैं सी वन में सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, सो हम इसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं अलॉन्ग द कॉलम सी वन। ठीक है, सी वन के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ए वन वन, ए टू वन, ए थ्री वन। ठीक है, सो वन प्लस वन क्या हो गया, टू, इवन हो गया, प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई, माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई, प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। वन बाई टू, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, माइनस का टू, और इसको प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये इस कॉलम, इस रो में है और इस कॉलम में है, तो बाकी क्या बचा, फोर वन के वन। ठीक है, अब बाकी का ज़ीरो है, ज़ीरो को माइनस वन के साथ, अब यहाँ पर ये हमारे पास ये रो में है और ये कॉलम में है, बाकी क्या बच रहा है, ज़ीरो वन के वन।
ठीक है, एक बार तो आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे जीरो के साथ ही कर रहे हो, पर जब आप एमसीक्यूज़ वगैरह करते हो तो आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हो। तो इस कॉलम में और इस रो में है, ठीक है, तो 0141, ठीक है जी। अब हम सॉल्व करते हैं। सो 1/2 माइनस का 2, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 4 × 1 4, के इंटू 1 के, ठीक है, और ये 0 हो गया और ये भी पोर्शन 0 हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। सो प्लस माइनस 4 के इक्वल है, प्लस माइनस 4 1/2 माइनस का 8 प्लस का 2 के, ठीक है। फिर से वैसी चीज़ बनाएंगे, 1/2 माइनस 8 प्लस 2 के, या तो प्लस 4 के इक्वल है या वो माइनस 4 के इक्वल है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8 माइनस 8 प्लस 2 के, 8 प्लस 8 16 हो गए, इक्वल्स टू 2 के, तो k की वैल्यू आ गई 8। इधर भी ऐसे करेंगे, माइनस का 8 माइनस का 8 प्लस का 2 के, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 0 बनेगा, 0 इज इक्वल टू 2 के, तो k की वैल्यू आ गई 0। इसमें भी सेम आंसर आ रहा है, k की वैल्यू 0 है या फिर 8 है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2 and 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें पहले एक पॉइंट सपोज करना होगा, ठीक है। हम पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट पी एक्स वाई जो है, बी एन ए पॉइंट, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, बी ए पॉइंट ऑन ए बी लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर मान लिया कि जो ए बी के ऊपर कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, 1, 2, 3, 6 और लास्ट वाला पॉइंट ए हो गया 1, 2, बी हो गया यहाँ पर 3, 6 और पी हो गया यहाँ पर एक्स कॉमा वाई। अब देखो पॉइंट तो तीनों एक ही लाइन पर हैं, है ना, तो मतलब यहाँ पर किसी भी हालत में ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो एरिया क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 हेयर, ठीक है। सो ट्राइंगल का एरिया 0, 1/2। अब यहाँ पर पॉइंट्स, सो 1, 3 और साथ में आपका जो पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो 1, 3 एक्स लिखेंगे, देन 2, 6 वाई, ठीक है, 2, 6 वाई, देन 1, 1, 1, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ इसको एक्सपांड कर सकते हैं, मैं कर रही हूँ कॉलम नंबर 3 के साथ, ठीक है। सो आई एम एक्स गोइंग टू एक्सपांड अलॉन्ग कॉलम नंबर 3, ठीक है, क्योंकि इजी होता है मल्टीप्लाई करना। तो कॉलम नंबर 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं A13, A23, A33, है ना। सो 1 + 3 हो गया 4, तो प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 1/2, पहला एलिमेंट 1, ठीक है। सो इसको प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, ठीक है। तो बचा क्या, 3, 6, x, y, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 1 और माइनस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई, इस रो में है और इस कॉलम में है, सो 1, 2, x, y, ठीक है। फिर से तीसरा एलिमेंट 1, इसको प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई और ये इस रो में है और इस कॉलम में है, 1, 2, 3, 6, ठीक है जी। ये हो गया हमारा सारा सॉल्व। 0 इज इक्वल टू 1/2, अब थोड़ी हम कर लेते 1 × 1 1 ही रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं है, सो 3 × y, ठीक है, माइनस 6x, ठीक है, ये पहला डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। अब ये है हमारे पास यहाँ पर माइनस का 1, तो माइनस का 1, ठीक है, अभी प्लस रहने देते हैं, माइनस का 1, यहाँ पर हो गया 1 × y, y माइनस 2x, ठीक है, प्लस 1 × 1 1, इसका कोई यूज़ नहीं है, 1 × 6 6 माइनस 6, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस 2 को इधर ले जाओ, तो ये भी 0 हो गया, अंदर क्या बचा, 3y माइनस 6x माइनस y प्लस 2x प्लस 0, ठीक है जी। ये मैंने माइनस 1 को इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। अब हमारे पास बचा 0 इज इक्वल्स टू 3y माइनस y दैट इज इक्वल टू 2y, 6x और 2x ये हो गया माइनस का 4x, ठीक है। सो 4x को इधर ले आए इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 को इधर ले आ जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2x,
ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन। सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पर भी हमने सेम ही करना है, सो हमने मानना है कि लेट पॉइंट जो है पी एक्स कॉमा वाई बी ऑन द लाइन ए बी, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया, ये मैं डायग्राम भी बना देती हूँ। सो ए के पॉइंट है 3,1, बी के पॉइंट है यहाँ पे 9,3 और सी के पॉइंट है यहाँ पर, सॉरी पी के पॉइंट है यहाँ पर एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एज सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन पे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ज़ीरो हो गया, 1/2, ठीक है। तो पॉइंट्स लिखेंगे 3, 9 देन एक्स, ठीक है। सो 3, 9 एंड एक्स, फिर 1, 3 एंड वाई, सो 1, 3 एंड वाई, और लास्ट में 1, 1, 1, ठीक है। इसको भी मैं कॉलम नंबर 3 के साथ एक्सपैंड कर रही हूँ। सो दिस इज़ माय कॉलम नंबर 3। सो A13 एलिमेंट होता है, A23 एलिमेंट, A33 एलिमेंट, ठीक है। इसको प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 1 के साथ, और इसको प्लस 1 के साथ, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 1/2, देन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास 1, ठीक है। इसको प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, ठीक है। ये इस रो कॉलम में है, तो इसका आ गया हमारे पास 9, 3, x, y, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट भी 1 है, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो में और इस कॉलम में है, ठीक है। सो 3, 1, x, y, ठीक है। देन थर्ड एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई, और इस रो में और इस कॉलम में है, सो 3, 1, 9, 3, ठीक है जी। ये सॉल्व हो गया। अब इस 2 को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो ये 0 ही हो जाएगा। सो अंदर सॉल्व करेंगे, सो 9y-3x, ठीक है। ये 1+1 नहीं है, ये 1+1 है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर 3y-x + 1, ठीक है। 3 3 = 9, 9 - 9, क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पर आया 9y-3x माइनस का 3y प्लस का x प्लस 0 इज इक्वल टू y, ठीक है। तुम्हारे पास आया 9y-3y, ये हो गया 6y, 3x प्लस x ये हो गया माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। 2x उधर चला गया, 6y इधर रह गया, तो 6 / 2 = x, तो ये हो गया 3y = x। यहाँ आप कर सकते हो, 3y को उधर लेके जा सकते हो, सो x - 3y = 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है जी। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 square units है, ठीक है। तो विद वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, तो k की वैल्यू आपको निकालनी है, सिंपल, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो है हमारे पास यहाँ 35 square units, तो हम प्लस माइनस 35 यूज़ करेंगे। 1/2, ठीक है, डिटर्मिनेंट की अंदर लिखेंगे 2, 5, k, ठीक है, 2, 5 एंड k, देन -6, 4 एंड 4, और लास्ट में 1, 1, 1, ठीक है। इसको भी मैं अलॉन्ग कॉलम नंबर C3 के साथ एक्सपैंड करूँगी, ठीक है। सो कॉलम नंबर C3 के एलिमेंट होते हैं A13, A23, A33, ठीक है। इसको प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 1 के साथ, और इसको प्लस 1 के साथ, ठीक है। सो प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2, सॉल्व करो, 1 × + 1, ठीक है। सो ये इस रो में है और इस कॉलम में है, ठीक है। सो 5, 4, k, 4, ठीक है। देन सेकेंड एलिमेंट भी 1 है, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, इस रो में है और इस कॉलम में है, ठीक है। 2 - 6, k + 4, ठीक है। देन थर्ड एलिमेंट 1 और प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस रो में और इस कॉलम में, ठीक है। तो लास्ट में आया 2 - 6, 5 एंड 4, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 5 × 4 = 20 -4k, ठीक है। ये हो गया सॉल्व, माइनस का 1, देन 2 = 8, ठीक है, माइनस
माइनस का 6k, ठीक है जी, प्लस 2 4 8 माइनस 5 माइनस 6 माइनस का 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस 35 वन बाई टू 20 माइनस 4k माइनस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 6k और ये बाहर से माइनस का 6k हो जाएगा, 8 प्लस 30 38, ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। अभी भी एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं हम, फिर आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 35 वन बाई टू 20 माइनस 8, ये हो गया 12 प्लस 38, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 38 50 हो गया, ठीक है, 50 माइनस 10k, ठीक है। अब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक प्लस 35 के साथ और एक माइनस 35 के साथ, 1/2 50 माइनस 10k, ठीक है। एक बार माइनस 35 के इक्वल कर देते हैं, 1/2 50 माइनस 10k, ठीक है। 35 2 70, 70 इज़ इक्वल टू 50 माइनस 10k, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू माइनस का 10k, तो माइनस 2 आ गई वैल्यू k की, ठीक है। इधर भी करेंगे, माइनस 70 इज इक्वल टू 50 माइनस 10k, 10k को मैं लेफ्ट साइड ले आई, 70 को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगी, सो k की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12। तो मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो k की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, 12 एंड माइनस 2, क्लियर। सो आई होप आज के क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।